हेलो एवरीवन, दिस इज एस के चौधरी फ्रॉम एस के सी लैब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस के सी लैब के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज है धनतेरस, दिवाली का उत्सव प्रारंभ हो गया है, शुरू हो गया है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और जब मैं ये शुभकामना आपको दे रहा हूँ तो मैं इस बात को बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ कि धनतेरस का विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है। असल मैं भी और जब पढ़ाई कर रहा था, मैं भी जब आप ही के जैसा एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, एग्जाम्स दे रहा था, कुछ नंबरों से छट रहा था, प्रीलिम्स के बाद मेंस हो गया तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था और इस तरह की असमंजस में फंसा हुआ रहता था कि आज फेस्टिवल है तो बाहर घूमना चाहिए, घर में रहना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और तमाम तरह की जो असमंजस वाली स्थिति होती उसमें जब होना होता था। इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ और विद्यार्थी जीवन में हमने एक चीज़ को बड़े स्तर तक महसूस किया था, बड़ी गहराई तक महसूस किया था। हमारा जीवन सामान्य नहीं था। मैं अपनी कहानी कई बार मैंने बोला है कि मैं बताऊंगा, इस बार अगर मुझे वो मुकाम दिया तो मैं जरूर बताऊंगा। फिर मैं एक छोटा सा हिस्सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। असल मैं अधिकांशतः फेस्टिवल में घर से बाहर ही रहा हूँ और लगभग 10वीं के बाद मैं बाहर गया था। उसके बाद लगभग 12-13 वर्षों तक लगातार बाहर में ही रहा। घर जो मुख्य मुख्य त्यौहार थे जिसमें परिवार वाले लोग मानेंगे ही नहीं, विशेष करके माँ, उसी परिवार में उसी फेस्टिवल में केवल घर गया था। और बाहर रहने के क्रम में कुछ ऐसी चीज़ें होती थी हमारे जीवन में जो मुझे आज भी याद है। जब मैं आपके साथ इस फेस्टिवल में, जब मैं आपके साथ आज इस धनतेरस के दिन में, जब मैं देख रहा हूँ, चीज़ें समझने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे अपने वो पुराने दिन याद आते हैं। मेरे वो पुराने दिन, मेरे वो जीवन के अच्छे दिन, मैं बुरा दिन नहीं मानता हूँ, और उस दिन मैं अपने आप को कहीं ना कहीं छुपा लेता था, बाहर नहीं घूमने जाता था मैं। और छुपा इस बात से लेता था कि बाहर जब मैं घूमने के लिए जाता था तो आप सबने देखा होगा कि बाजार हमें आकर्षित करता है, बाजार हमें ये बताता है कि हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, हमारे पास संसाधन कम है, रिसोर्सेज कम है, हम सामान्य नहीं है, हमारे पास बहुत चीज़ें नहीं, हमारे पास अभी क्या क्या होना चाहिए लोग। तो बाहर जाने का मतलब था कि कहीं ना कहीं अपने आप को डिमोरलाइज कर लेना या फिर कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी को महसूस करना। तो बाहर नहीं जाते थे, कम जाते थे, हमें चीज़ें अट्रैक्ट करती थी। अगर किसी के बढ़िया मकान दिख गए तो हमें लगता था मैं भी ऐसा ही मकान बनाऊंगा। किसी की अच्छी कार दिख गई तो हमें वो आकर्षित करता था। कोई अच्छा वेल लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा था, हमें वो लोग आकर्षित करते थे। और मतलब हमें लगता था कि हमें भी ऐसा ही जीना है। तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर हमें ऐसे कार, ऐसे मकान, ऐसी मुकाम, ऐसी सफलता, ऐसी लाइफ स्टाइल चाहिए होगी तो ये धनतेरस के दिनों में ऐसे सड़कों पे घूमने से तो नहीं होना है ना। उसके लिए हमें अपने कलम को, जो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, उसको बड़ी मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के जीवन में कुछ हो सकेगा। और ये मोटिवेशन केवल धनतेरस के दिन में नहीं आता था, मतलब बचपन से ही था। ईश्वर ने एक ऐसे परिवार में जन्म दिया था जहाँ पे कई चीज़ों की कमियाँ थी। वो कमी आज महसूस कर रहा हूँ और जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरी आँख में ना मैं नमी है, ना मेरी आवाज़ में वो एक रुंधता सा है, वो सब कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन के अच्छे दिन थे वो, मतलब तब हमें कुछ लगता ही नहीं था, बहुत अच्छे से जी रहे थे। और बस अभी मैं वो चीज़ समझ रहा हूँ, उस चीज़ को मैं जब याद करने का प्रयास कर रहा हूँ तो हमें महसूस होता है कि किस तरह हम अपने आप को छुपा लेते थे। अपने अंदर कई तरह की चीज़ें पलती थी कि हमें अभी और मेहनत करना है, हमें भी कामयाबी हासिल करनी, हमें भी मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट देना है, हमें भी फेस्टिवल में उनके साथ रहना है, बाहर नहीं रहना है। और तमाम तरह की जीवन जिंदगी बदली, मेहनत करा हमने भी और पढ़ाई पूरी हुई, पढ़ना पढ़ाना सब कुछ जारी रहा, जीवन में बदलाव आए, चीज़ें बेहतर ही हुई ईश्वर की कृपा से और अपनी मेहनत के दम पे। आज धनतेरस के दिन हमें जब अपने माँ से बात किया, पापा से बात किया, हमने कम से कम आज पूछने की हिम्मत करी कि बताओ क्या चाहिए, क्या करूँ तुम्हारे लिए। तो हमारे माता पिता की, आप सबको बताओगे, सबसे अच्छी बात जो है इंडियन पेरेंट्स की वो ये होती है, उन्होंने एक लाइन में कहा कि बच्चा तू अपनी ज़िंदगी को जी, स्वस्थ रह, कामयाब रह, बस हमारे लिए सबसे बड़ी धन संपदा यही है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी माँ का शुरू से है, हमारी माँ, हमारे पेरेंट्स मतलब इस बात में हमेशा से थे कि उनको उनको भी उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको अपने बच्चों को कामयाब बनाना था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी सेक्रीफाइस करी, उन्होंने अपने लिए कभी जिया ही नहीं। तो हमारे अंदर से भी था और हमने हमेशा से पहली प्रायोरिटी अपनी माँ पापा के ख्वाब को ही रखा है कि हमें उन्हें ही पूरा करना है। तो आज के दिन में अपनी कहानी को, अपनी ज़िंदगी को, अपने अनुभव को मैं रिलेट कर पाता हूँ आप हज़ारों बच्चों से कि
कि आप सब भी कहीं ना कहीं इस धनतेरस के दिन में इस अवसर पे अभी कई बच्चे होंगे जो बाजार नहीं गए होंगे क्योंकि उनके पास अभी मंथ एंड हो रहा है तो उनको रेंट देना है 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद, उनको छठ में घर जाना है, पिछले साल कपड़ा खरीदे थे होली में, फिर से नया कपड़ा खरीदने का मन कर रहा है लेकिन कैसे पापा को बोलें, एग्जाम भी अच्छा नहीं गया 67 68 तभी अगले महीने देना है, मेंस की तैयारी करनी है, तमाम तरह की चीज़ें हैं जीवन में। तो मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि अगर आपके जीवन में भी कमियाँ हैं, अगर ईश्वर ने आपके जीवन में इस तरह के मोटिवेशन दिए हैं तो इसको सकारात्मकता के साथ स्वीकारिए और आपके पास सबसे बड़ी जो औजार है, जो हथियार है, पूरी दुनिया को बदलने का जो वेपन है वो है कलम। इसमें कलम की ताकत और मेहनत के आगे ना पूरी दुनिया फीकी है, पूरी सारी की सारी कामयाबी फीकी है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखें, पूरी ईमानदारी पूर्वक मेहनत करिए और ये धनतेरस ना सही अगले धनतेरस, अगले धनतेरस ना से उसके अगले धनतेरस, आपके जीवन में धन संपत्ति और कामयाबी की समृद्धि की, परिवार में सुख शांति का, विकास का अवसर आएगा और आप जरूर से जरूर उस चीज को भुनाएंगे। बस आज के इस दिन आपको अपने कलम को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक से पकड़ना है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, हमारा हमेशा से कामना होता है, आप कभी कभी देखते होंगे कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोई लॉटरी नहीं लगेगी, कामयाब बनना है तो मेहनत करना होगा, कोई लॉटरी नहीं लगेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप बहुत गरीब हैं, बहुत लाचार हैं, बहुत विवश हैं, बहुत बुरी स्थिति में हैं, कोई लॉटरी नहीं लगेगी, आपने मेहनत करना है तब आपके दिन बदलेंगे, तब सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और दूसरी बात है कि आप चीज़ों से आकर्षित मत होइए। हाँ, कई बार लगता है ना कि वो बड़ी कार में घूमने वाला व्यक्ति बहुत सुखी होगा, वो बड़े महंगे स्मार्टफोन आईफोन रखने वाला बड़ा सुखी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में सुख और जीवन की जो असली आनंद है वो मेहनत करने में, संघर्ष करने में, अगर आप संघर्षशील हैं, जीवन में सैक्रिफाइस करते हैं, इससे बड़ा सुख कुछ है ही नहीं। और मुझे मजा आता है, मुझे 2 दिन की छुट्टी दो दिन मैं बीमार हो जाऊँ शायद, मैं जब तक 7-8 घंटे तक पढ़ा ना दूँ, जब मेरे ये कंधे दुखने ना लगे लिखते लिखते, तब तक हमें लगता ही नहीं कि मैं जीवन को जी भी रहा हूँ। तो इस धनतेरस में आप सबके लिए यही कामना करता हूँ, हमारा यही मानना है कि आप सभी लोग भी अपने अपने जीवन की कमियों को अपने अंदर संजो के रखिए और उसको उस आग को, उस जुनून को उसको अंदर रखिए, वो आपको सकारात्मकता के साथ उसको प्रयोग करना है और वो आपको पुश करेगा, आपको विवश करेगा आगे बढ़ने के लिए कि भाई और आगे बढ़ो, अभी और मेहनत करो। रात में जब 1:30 बजे 2 बजे सोने जाओगे ना तो उस समय भी लगेगा कि कल सुबह जल्दी उठना है, वो वाला चैप्टर निपट लेना है। तो इसी तरह से पहले अपना एकेडमी, फिर इधर कॉम्पिटिशन के चैप्टर्स और उसके बाद जीवन के चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स को पूरा करते जाना है सफलतापूर्वक और बिल्कुल डिमोरलाइज महसूस नहीं करना है, मजे से रहना है, आनंद के साथ रहना है और प्रयास करते रहना है, कभी जीवन में हार नहीं माननी है। और हमारे दिन थे वो अच्छे दिन थे, आज भी जी रहा हूँ, आज भी जीवन को आनंद के साथ जी रहा हूँ क्योंकि मैंने तब भी मेहनत किया था, आज इस स्टेज पे यहाँ पे भी मेहनत करता हूँ और मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि हमें जहाँ पे भी रखो एक मुकाम, हम मेहनत के दम पे रहे वहाँ पे भी रहेंगे। हमारा लगातार प्रयास है कि मैं आप सबके साथ जुड़ूँ अच्छे कॉन्टेंट के साथ, अच्छी जानकारियों के साथ और जितना हो सके अपने तरफ से मैं आपके योगदान दे सकूँ। तो धनतेरस के अपने जीवन की छोटे से अनुभव को मैंने आप सबके साथ साझा किया, मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आप अपने जीवन से कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे और इन सारी चीज़ों को आप पॉजिटिवली लीजिएगा और खूब मेहनत करके अपने जीवन को और सारे एग्जाम्स को क्रैक करना है और फटाफट से लाइफ को एक अच्छी मुकाम पर लेकर के जाना है और लगातार सफलता का आनंद लेना है। तो मैं फिर से वही कहूँगा, धनतेरस की अनंत शुभकामनाएँ आप सभी को और ईश्वर आप सबको जल्दी से कामयाब बनाए और कामयाबी के बाद आप अपने माता पिता के सपनों को, अपने सपनों को, अपने आस पड़ोस के सपनों को, देश राज्य के सपनों को जल्दी जल्दी से पूरा करेंगे और आपकी कामयाबी के साथ साथ हमारी कामयाबी जुड़ी है, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। और मैं आपको फिर से भरोसा दिलाता हूँ कि जीत पक्की है, बस संघर्ष करना नहीं छोड़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये चैनल आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे प्रयास आपको कैसा लगा, जीवन का छोटा सा हिस्सा हमने आपसे शेयर करने की कोशिश करी, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं प्रयास करूंगा कि बीच बीच में अपने जीवन की कुछ इस तरह की कहानियां जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे, हमारी रियल स्टोरी, हमारा कोई ऐसा नहीं हमने कहीं से सुन के बता दिया, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपके साथ ये सब ले करके आऊँ। उसमें एक शिक्षक होने के नाते मैं आपके साथ जानकारियों के साथ मिलता हूँ, बहुत सारे कंसेप्ट के साथ मिलता हूँ लेकिन जीवन के ऐसी पहलुओं के साथ, ऐसे अनुभव के साथ बहुत कम मिलता हूँ। और मुझे लगता है कि हर बच्चे के जीवन में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी घटनाएं हैं,
तो आप कभी उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इस दृष्टिकोण से हमने ये वीडियो बनाया और मुझे आशा है कि ये चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और अंत में फिर से आप सभी को धनतेरस की अनंत शुभकामनाएँ, खुश रहिए, मस्त रहिए।